Jaya Ram Rama Ramanam Samanam Bhavtaap Bhaya Kul Pai Janam Jaya Ram Rama Ramanam Samanam Bhavtaap Bhaya Kul Pai Janam Bhavdes Suresh Ramesh Vibho शरणांगत मांगत पाहि प्रभो जय राम राम रमणम समनम भवताप भया कुल पाहि जनम दस शीश विनाशन बीस भुजा दस शीश विनाशन बीस भुजा कृत पावक तेज प्रचंड दहे जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम महि मंडल मंडन चारु तरम महि मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चार निशंग वरम धृत सायक चाप निशंग वरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज देवा करते जय हरि जय राम राम रमणम समनम भवताप भया कुल पाहि निपात किए मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं मृग लोग कुभोग सरे नहीं इतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूल परे जय राम राम रमणम समनम भवताप भया कुल पाहि जनम बहु रोग वियोगिनी लोग है बहु रोग वियोगिनी लोग है भव दंग्र निरादर के फल है पंकज प्रेम न जे करते जय राम राम रमणम समनम भवताप भया कुल पाहि जनम अति दीन मलिन दुखीन तहि अति दीन मलिन दुखीन तहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा दिन के जय राम राम रमणम समनम भवताप भया कुल पाहि जनम नहीं राग न लोभ न मान मदा नहीं राग न लोभ न मान
बल्लभ सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा जय राम रमारम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम करि प्रेम निरंतर सुखी विचरन्ते महि जय राम रमारमणम् समनम् भवताप भयाकुल पाहि जनम् पंकज भृंग भजे मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजे रघुवीर महारन धीर अजे तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महामद मान हरि परमायतनम गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन कंदय वृंदगणम मई पाल विलोकय दीन जनम जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो बार बार वर मांगऊं अरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग बार बार वर मांगऊं अरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 राघव राजा पतित पावन सीताराम मंगल भवन या मंगल
बलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत नगामा मध्य दिवस अति शीत नगामा कल भगवान का प्राकट्य पावन नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष में और दोपहर के 12 बजे भगवान का जन्म हो गया। ये खबर पहुंच गई जी जाकर के कहा कैलाश पर्वत पर और उस समय पर काग भुसुंडी जी के साथ भगवान शिव की बहुत अच्छी मित्रता चल रही थी। भगवान भोलेनाथ बात कर रहे थे काग भुसुंडी से, बोले मेरे प्रभु का अवतार हुआ है तो मुझे तो जाकर के दर्शन करने हैं। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं, बोले आप अकेले अकेले क्यों जाओगे, मुझे भी साथ में लेकर के चलो। जब ये बात कही तो काग भुसुंडी को भी भगवान भोलेनाथ साथ में लेकर के चल पड़े। इधर लेकर के आए कागभुसुंडी जी को साथ में, तो अब प्रत्यक्ष रूप में तो आ नहीं सकते और भगवान यहाँ पर राधा बल्लभ के सभी महिला मंडल भी और बाकी सदस्य भी बैठे हुए हैं, तो भागवत कथा में भगवान शिव प्रवेश करते हैं। भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के दर्शन के लिए तो यहाँ जब राम अवतार होता है तब भी पहुँचते हैं। जब जब भगवान कोई अवतार धारण करता है तो तब तब भगवान शिव आकर के भगवान के दर्शन जरूर करते हैं। तो अब सीधे भगवान भोलेनाथ तो आ नहीं सकते, अगर आएंगे तो फिर मामला गड़बड़ है, सारे नगर में सारे अयोध्या में हल्ला मच जाएगा कि ऐसा कौन सा बालक पैदा हुआ है कि जिसको दर्शन करने के लिए सीधे भगवान शिव पहुँचे हैं। तो फिर विचार किया क्या किया जाए, भोलेनाथ बने हैं साधु और काग भुसुंडी जी बने हैं शिष्य, क्या युक्ति भिड़ाई जाए, कैसे जाया जाए अंदर। तो एक ज्योतिषी का बड़ा एक बोर्ड लगा दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सबकी कुंडलियां देखते हैं,
सबका भविष्य बताते हैं और भविष्य ऐसा बता रहे हैं साक्षात महादेव हैं भगवान भोलेनाथ, सबका भविष्य बिल्कुल पूरे का पूरा। लेकिन उस चीज का असर फिर भी माँ कौशल्या के महल तक नहीं पहुंच पाया। जब बात नहीं बनी तो बोले भोलेनाथ कहते हैं कागभुसुंडी से, बोले जो हमने ये षड्यंत्र रचा था वो तो सब फेल हो गया। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी ज्योतिष का प्रचार प्रसार होगा, तो अभी अभी भगवान ने अवतार ग्रहण किया, शायद माँ कौशल्या बुला ले कि जरा मेरे बच्चों की भी जरा कुंडली देख लो इनका भविष्य कैसा है, लेकिन बात बनी नहीं। चलो बोले ऐसे ही भीड़ भड़ाके में निकल पड़ते हैं, शायद अंदर हमारा भी प्रवेश हो जाए। लेकिन जैसे ही द्वार पर गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद हो रखी है, ऐसे विकराल रूप को देख करके द्वारपाल ने अंदर जाने से मना कर दिया। कहा बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले आपको कभी हमने अयोध्या में देखा ही नहीं है। अब भगवान राम ने जहां अवतार ग्रहण किया वो कोई साधारण घर नहीं है, महाराज दशरथ के यहां भगवान का अवतार हुआ है, तो वहां तो वैसे ही अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम। अरे बोले देखो हम भी दर्शन करने के लिए आए हैं, लाला को मिल लेंगे। बोले चाहे जो मर्जी हो पर आपका अंदर जाना, या तो बोले आप वशिष्ठ जी से लिखवा करके ले आइए, हम कहीं जाते हैं ना तो वहां पास बनता है, उस पर सिग्नेचर होते हैं, हाँ जी ये एंट्री वैलिड है। भगवान अवध बिहारी के यहाँ कोई जाए तो गुरु जी की आज्ञा तो होनी अति आवश्यक है। कहा बोले वशिष्ठ जी से इतना संपर्क हमारा है नहीं, तो बोले आपका प्रवेश भी अंदर वर्जित है। इधर जब वापिस गए हैं तो भगवान राम ने सोचा मेरे प्रियतम मेरे प्रिय भक्त भगवान शिव और आराध्य भी हैं भगवान राम के, इन दोनों की आपस में ऐसी दोनों की लगती है बढ़िया, एक राम को भजता दूसरा शिव को भजता, शिव राम को भजते हैं तो राम शिव को भजते हैं। तो कहा बोले मैं बिना दर्शन के ही रह जाऊंगा। और बड़ी जोर जोर से रोने लग गई, बड़ी जोर जोर से रोने लग गए। वशिष्ठ जी जब आए तो वशिष्ठ जी माँ कौशल्या को कहते हैं, बोले इनके ऊपर झाड़ फूंक करना पड़ेगा तब जाकर के अंदर प्रवेश होगा। बोले कौन से बाबा को लेके आए, कहाँ से लेकर के आए? तो फिर जिन्होंने अंदर जाने से रोका था वो कहने लगे, बोले अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा जी आए थे तो क्यों ना उन्हीं को बुला ले। बोले जाओ जाओ उनको बुला करके लेके आओ, वो है कहाँ। जो सेवक थे जो अनुचर थे वो जाकर के ढूंढने लगे, वृक्ष के नीचे दोनों उदास बैठे हैं। कागभुसुंडी जी कहते हैं, बोले आपकी दाल गली नहीं, मैं तो सोचता था कि आपकी जान पहचान बहुत ज्यादा है, बताओ आपको भी दर्शन नहीं हुए, मेरी तो बात छोड़ दो, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, बोले अब जले हुए पर नमक मत छिड़को, और जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक जाऊंगा भी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। इतने में ही एक दूत आया, कहा महाराज आपको राजभवन में बुलाया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बस दयालु ने कृपा कर दी, बड़े प्रसन्न हुए। अरे बोले ज्योतिष लाइन लगी हुई थी कुंडली दिखाने के लिए, भोलेनाथ ने सबकी पत्रिका जन्म पत्रिका समेटी, बोले जाओ जाओ अब बहुत हो गया। अरे तो बोले हमारा भविष्य तो बोले बाप का भविष्य सब बढ़िया है, बस अब मैं अपने भविष्य को देखने जा रहा हूं। और तुरंत निकले हैं दोनों के दोनों साथ में, लेकिन फिर द्वार पर आकर के गड़बड़ी हो गई। बड़ा सुंदर भाव, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलक निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। आज अयोध्या की गलियों में
जो में जोगी मत वाला आज अयोध्या की गलियों में जो में जोगी मत वाला लख निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ का लाला लख निरंजन खड़ा पुकारे सुंदर भजन है भगवान भोलेनाथ का और सुंदर रचना बनाई हुई है। मन बड़ा आनंदमय है। आज मैं अपने राम के दर्शन करूंगा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए चमा चम नाचे जोगी दर्श की मन में चाह लिए चमा चम नाचे जोगी दर्श की मन में चाह लिए पग के घुंघरू चम चम बाजे पग के घुंघरू चम चम बाजे कर्म जपते हैं माला जोगी मतवाला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः कट में सोहे विभूति रमाए जोगी सोहे जटा जूट पर गंग बिराजे भक्त जनों के मन मोहे जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनों के मन मोहे मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे तक पर श्री चंद्र विराजे गल में सरपन की माला आज अयोध्या की गलियों में रूम जोगी बंटवारा पे खड़ा पुकारे बोले हैं मधुरी वाणी राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोले हैं मधुरी वाणी अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी लाख हटाओ पर ना मानो हटाऊ पर ना मानू देखूंगा तेरा लाला आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। इधर जब द्वार पर पहुंचे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने फिर रोक दिया। द्वारपाल कहते हैं बोले श्रीमान जी एंट्री तो एक ही है अंदर दो आए हो दो के कोई भी किसी ने बुलाया नहीं दो को
अंदर से आदेश महल से ये हुआ है कि एक कोई साधु संत हो वो थोड़ा झाड़ फूक करके चले जाएं, तो बस एक की ही एंट्री है, एक का ही प्रवेश है। अब भगवान शिव और काकभुसुंडी में आपस में ही इशारों में, आंखों के इशारों में ही बातचीत शुरू हो गई। बोले कौन जाएगा? भोलेनाथ कहते बोले मैं जाऊंगा। काकभुसुंडी कहते बोले अगर आप अंदर गए तो मैं हल्ला कर दूंगा, कोई बाबा बुबा नहीं है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ कहते हैं बोले ऐसा मत करना, बोले बिना दर्शन के जाऊंगा नहीं। तो बोले फिर मुझे भी साथ में लेके जाओ। बोले मैं कैसे लेके जाऊं? वो कह रहे एक जाएंगे। तो बोले मुझे ही जाने दो। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बिना दर्शन के चला जाऊं। काकभुसुंडी जी अड़ गए भगवान शिव के समक्ष, कहा बोले जाऊंगा तो मैं भी साथ में ही। भोलेनाथ कहते हैं बोले अच्छा शिष्य बनाया तुम्हें, मेरा ही काम बिगाड़ने पे लगे हो। तो कहा बोले रुको कुछ युक्ति सोचते हैं। ओ दरबारी को कहा बोले भाई बात सुन। बोले हाँ जी। बोले बात ये है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं मेरी ना आंखें बड़ी कमजोर हैं, तो बोले मैं मंत्र देख नहीं सकता, सही चिन्ह लगा नहीं पाऊंगा। हाँ तो बोले ठीक है आप रहो, ये जो दूसरा जो तुम्हारा जवान शिष्य है इसको भेजो, इसकी तो आंखें ठीक है। भगवान शिव कहते बोले नहीं नहीं पहले बात तो पूरी सुन ले। बोले मुझे दिखता नहीं है और इसको मंत्र पूरे आते नहीं है, तो इसलिए ये पढ़ेगा और फिर मैं मंत्र झाड़ फूक करूंगा। और काकभुसुंडी जी के थोड़ा सांस में सांस आए, बोले अब तो लगता है भोले बाबा कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे। अच्छा बोले चलो दोनों के दोनों जाओ। बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के जब भगवान राम की उस सुंदर छवि को देखा, भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, ऐसे दयालु हैं प्रभु। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल राम के दर्श किए। विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय।